इस तरह का सवाल यदि आप लोगों के सामने आ जाए तो क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि करनी में तीन एक अपरिमेय संख्या आई रेशनल है। अपरिमेय को हम कहते हैं आई रेशनल। तो सिद्ध करना है करनी में तीन क्या है, अपरिमेय है। क्या अपरिमेय? तो हम इस तरह का बात बताए थे आप लोगों से कि जब ऐसा दिया हो तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना करणी में तीन अपरिमेय नहीं, इनके विपरीत क्या है, इनके विपरीत उल्टा दो ही है, ये है परिमेय और अपरिमेय। तो जब अपरिमेय दिया हो तो हम लोग परिमेय बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद मानते हुए हम लोग आगे चले तो सबसे पहले थोड़ा सा वो एक दो लिखे कि परिमेय किसे कहते हैं अपरिमेय किसे कहते हैं, है ना। तब उसके बाद हम सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो परिमेय किसे कहते हैं, P बाई क्यू के रूप में जो दिखे यानी P बाई क्यू के जैसा हो उसको हम लोग परिमेय कहते हैं। तो लिखेंगे हम हल में P बटे क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए P बटे क्यू को परिमेय कहते हैं, परिमेय P बटे क्यू को परिमेय कहते हैं, ठीक है। और अपरिमेय किसको कहते हैं, तो P बटे क्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसके, अपरिमेय के। यही ना, P बाई क्यू के रूप में जो दिखे उसको परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या इनको कहते हैं। यही है। तो जब हम P बाई क्यू को परिमेय कहते हैं, P बाई क्यू बराबर नहीं होना चाहिए अपरिमेय संख्या के, तब हम लोग मानेंगे, अपने से मानेंगे कि माना, अब क्यों मानते हैं, माना बताएंगे क्यों मानते हैं। माना करणी में तीन एक इनके विपरीत वो कहता है अपरिमेय, तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय है। तो करणी में तीन एक परिमेय है, परिमेय है, ठीक है। देखो सवाल है जो सिद्ध करेगी, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं अपने भाषा में जिद करेगी, यानी ये कहे कि अब परिमेय है तो हम अपने से जिद करेंगे, उसके सामने कहेंगे नहीं परिमेय है, तो जिद हुआ ना। तो हम सिद्ध को क्या बोले, जिद बोले, तो वो कहेगा अपरिमेय, तो हम लोग कहेंगे परिमेय है। तो जब माना करणी में तीन एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लोग परिमेय किसको कहते हैं, P बाई क्यू को ना। तो P बाई क्यू से सम्मानित यानी P बाई क्यू बराबर करणी में तीन कह देते हैं, तो P बटे में क्यू बराबर करणी में तीन, क्या हुआ, करणी में तीन। इनको हम समीकरण एक मान लेते हैं, क्या माने, समीकरण एक मानते हैं, ठीक है। इसलिए कि यह कहता है कि यह परिमेय, तो हम लोग कहते हैं नहीं वह एक परिमेय है। तो जब करणी में तीन को हम परिमेय कह दिए तो कब कब, तो परिमेय को हम P बाई क्यू कहते हैं, तो इसलिए P बाई क्यू बराबर करणी में तीन हो गया। अब देखेंगे कि P बटे में क्यू, P और Q में लिखेंगे P और Q में, ठीक है, P और Q में एक क्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कोई भी उभय गुणनखंड
गुणनखंड नहीं है। देखो P बटे Q, जो P बाई Q दिख रहा है, तो P और Q में एक के अलावा और कोई गुणनखंड है? इनके अलावा और कोई गुणनखंड एक के बाद नहीं है, इसलिए कि एक का हम इसमें गुणा करें तो इनके मानों में कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब एक के जगह पे दो मान ले कि दो के अतिरिक्त, तो वो दो के कहने का मतलब दो से करेंगे तो गलती हो जाएगा, तो इसलिए अभी में दिख नहीं रहा है कि P बटे Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, अब क्या करते हैं कि पी बाई क्यू बराबर करणी में तीन, अब नीचे लिख देते हैं कि इनका हम पी बाई क्यू बराबर करणी में तीन, यानी समीकरण नंबर एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो समीकरण एक, में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब P by Q बराबर करने में तीन, इनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो समीकरण नंबर एक का वर्ग करने पर, तो जब हम एक का वर्ग करेंगे तो ऊपर लिख लेते हैं, लिखे ऊपर P बटे में Q बराबर करणी में तीन, समीकरण नंबर एक ही है, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हो गया तो हम इनको वर्ग करते हैं, क्या करते हैं वर्ग। अब वर्ग तो आप लोगों को पते हैं, ठीक है, तो वर्ग करेंगे P में, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर होगा, और Q का करते हैं तो Q स्क्वायर, क्या होगा Q स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर करणी में तीन है तो करणी में तीन का वर्ग करेंगे तो केवल तीन होता है, इसलिए कि करणी में तीन गुणते करणी में तीन इनका हल करते हैं तो तीन होता है, करणी से करणी कैंसिल हो जाता है, यही ना, तो करणी में तीन का वर्ग करेंगे तो कितना होगा तीन मिलेगा, कितना मिला तीन। तो आप देखिए, अब तीन मिला तब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बनाना है एक बनाना है पूर्णांक, और एक बनाना है, इस तरह का सवाल मिले तो एक इनमें से बना देंगे पूर्णांक और एक बना देंगे भिन्न, क्या बनाएंगे एक पूर्णांक और एक भिन्न बनाएंगे। तो देखो किस तरह बनता है, पी स्क्वायर बराबर, इधर कितना है बराबर का, इधर कितना है तीन है, कितना है तीन, तीन है ना। अब हम क्यू स्क्वायर जो है, तो क्यू स्क्वायर को हम दो बार कर दें, यानी क्यू इंटू क्यू कर दें, दो पार्ट में कर दिए ना इनको, तो जब हम एक क्यू क्या करते हैं कि एक इधर ले लेते हैं, एक क्यू को हम इधर कर लेते हैं, तो बन जाएगा हम लोगों का पी स्क्वायर बराबर तीन क्यू हो जाएगा, और एक इनका क्यू, एक नीचे बचता है, एक नीचे बचता है, तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू बराबर तीन क्यू। तो आप देखो पी बटे में क्यू, यह एक क्या बन गया भिन्न बन गया, क्या बन गया भिन्न, तो हम इनको लिखते हैं भिन्न, और तीन और क्यू का दिख रहा है, यह एक पूर्णांक दिख रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं ये पूर्णांक क्या है, यह एक पूर्णांक, और पूर्णांक किसे कहते हैं, इनका परिभाषा अगले वाले वीडियो में बताए हैं कि किसी
अंकों को जिनको हम लोग गिनती गिनने में काम लाते हैं उसको हम प्राकृतिक कहते हैं, और प्राकृतिक के आगे यदि हम जीरो शामिल कर दें तो उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या का विपरीत, वो पूर्ण तो धनात्मक हो गया और उनके विपरीत यदि ऋणात्मक ले लें तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को। तो जब भिन्न बराबर पूर्णांक इस तरह का दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यह एक असंभव है। क्या कहेंगे, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। तो हम इनको लिखेंगे कि भिन्न बराबर पूर्णांक यह असंभव है। क्या लिखें, असंभव। तो इनको लिखते हैं असंभव, यह असंभव हो गया। क्या हो गया, असंभव हो गया। इसका मतलब यह है कि हम लोगों का मानना गलत है, हम लोगों का मानना गलत है। क्या है, जो हम लोग माने थे वह गलत है। तो क्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या है, गलत है। इस तो अब मानेंगे कि हम लोग का मानना गलत है, चूंकि क्या है, चूंकि करणी में तीन, करणी में तीन एक अपरिमेय और परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मानेंगे, करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि हम लोगों का मानना गलत हो गया कि वह परिमेय है। ठीक है, तो हम लोग फाइनल इसका यह सवाल पे इनका उत्तर बनता है कि करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।